हमारी बॉडी में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, अपाना, व्याना, समाना, प्राणा एंड उदाना। उसमें जो एक प्राण है वो हमारी पूरी बॉडी में रहता है, उसकी जगह हमारी पूरी बॉडी में है, जिसका नाम है व्यान। अगर आपको अपना नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको अपना नर्वस सिस्टम को ताकत देनी है, तो उसके लिए व्यान मुद्रा लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में एनर्जी फील आएगी, आपको अगर आलस आते तो आपकी आलस दूर होगी, आपकी बॉडी में से थकावट दूर होगी। व्यान मुद्रा, आपकी जो दो पहली उंगलियां है उसको जब आप अंगूठे के साथ टच करोगे तो ये बनेगी व्यान मुद्रा। दोनों उंगलियों के बीच में आपको अंगूठे को शेयर करना है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी चैनल मिस्टर थेरेपिस्ट में। मैं हूँ जेरी पटेल, आई एम अ थेरेपिस्ट। आई एम डूइंग हिज एंड कपिंग थेरेपी, लिश थेरेपी, अग्निकर्मा, नश्यकर्मा, नाड़ीपेथी एंड शंख प्रशलन। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल करेगी, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो भी उसको कंट्रोल में करेगी। मिस दोनों ब्लड प्रेशर में आप व्यान मुद्रा लगा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आलस आती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना या फिर लूज मोशन की शिकायत, जिन लोगों को बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, इन सारी प्रॉब्लम्स में आप व्यान मुद्रा लगा सकते हो। त्रिदोषा, वात, पित्त, कफ, अगर आपके दोष इम्बैलेंस है या फिर अगर आपको अपने तीनों दोष को बैलेंस करना है तो भी आप व्यान मुद्रा लगा सकते हो। व्यान मुद्रा को आप रात को मत लगाना, क्योंकि जब बॉडी में व्यान प्राण बढ़ेगा तो काफ़ी लोगों को नींद नहीं आने की शिकायत होती है। व्यान मुद्रा को डे टाइम में कभी भी लगाया जा सकता है। व्यान मुद्रा को एक हाथ से, दोनों हाथ से, खड़े खड़े, बैठे बैठे आप लगा सकते हो। 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक व्यान मुद्रा लगाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।